एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन लप्पा मेजर या फिर लप्पा आरटीएम के बारे में, जो कि प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है और बहुत ही यूजफुल होती है, स्पेशली हमारे स्किन यानी त्वचा के लिए। साथ ही साथ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्स पर भी इसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे लक्षण मिलने पे आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, कौन सी पावर में यूज करना है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं लप्पा मेजर के बारे में। लप्पा मेजर जो मेडिसिन होती है, जैसा मैंने पहले बताया, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, प्लांट से बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मेडिसिन है, सिम्टोमेटिकली स्मॉल है, स्पेसिफिक मेडिसिन होती है स्किन प्रॉब्लम्स में और साथ में फीमेल जेनाइटल ट्रैक की प्रॉब्लम्स में। तो ये स्किन की बात करें तो स्किन में कहाँ पे काम करती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इरप्शंस होते हैं, हेड में, नेक में दाने, फोड़े, फुंसी होते रहते हैं, स्पेशली अगर एक्ने वल्गेरिस की प्रॉब्लम है, चाहे मेल्स में हो फीमेल्स में, दोनों ही कंडीशन में काम करती है। बहुत ज़्यादा अगर फोड़े फुंसी आ रहे हैं, सर में आ रहे हैं, फेस पे आ रहे हैं, नेक पे आ रहे हैं, बैक में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अगर आपको क्रॉप ऑफ बॉयल्स आते जाते हैं, मतलब एक थोड़ा फुंसी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा निकलता जा रहा, इस तरह की कंडीशन हो गई है, कितना भी ट्रीटमेंट ले रहे ठीक नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी दवा अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जो हमारी आईलिड्स की एजेस होती हैं, वहाँ पर अगर आपको स्टाइज हो रहे हैं, यानी कि बिलनी हो रही है, गुहेरी हो रही है, या फिर अल्सरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप इस दवा को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। तो ये हो गई स्किन की बात। स्किन के अलावा कुछ रेयर केसेस आप गाउट में भी अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, हैंड जॉइंट्स हो गए, एंकल्स हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, और वो पेन जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है, मतलब नीचे की तरफ एक्सटेंड होता रहता है, तो उस कंडीशन में ये दवा अच्छे से काम आती है। अब बात करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्स में कहाँ पे अच्छा काम करती है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक की बहुत अच्छी दवा होती है, स्पेशली जो यूटराइन यानी बच्चेदानी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बच्चेदानी खिसक जाती है, प्रोलैप्स होता है, उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। अगर बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाए, जो कि आपकी पेल्विक मसल्स होती हैं जो यूट्रस को, बच्चेदानी को सपोर्ट करके रहती हैं, वो उनकी टॉनिसिटी, इलास्टिसिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाए और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँ और अपनी जगह से खिसक जाए, बाहर आने लग जाए, थूब जाए ना, तो उस कंडीशन में आप ये दवा यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेल्विक मसल जो है लूज महसूस होती हैं और साथ में आपको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है, यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तब बढ़ती हैं जब आप खड़े रहते हैं, या फिर आप चलते हैं, या फिर चलते चलते आपको कोई मिस स्टेप हो गया, आपका पाँव जो है अनइवन ग्राउंड पर पड़ गया, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में तो बहुत अच्छे से काम आती है। तो जो आपका यूट्रस का एरिया होता है, गर्भाशय का एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सोरनेस फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रूज फीलिंग है, सोरनेस रहती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई चोट लग गई है, इस तरह का आपको फीलिंग आता है, और आपकी वजाइनल जो मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी दवा अच्छे से काम आती है। सो ओवरऑल यूट्राइन जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, यूट्राइन जो प्रोलैप्स होते हैं, उसमें ये दवा बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दवा को किस पावर में लेना है। तो जनरली ज़्यादातर इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं, इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी प्रॉब्लम है, 10 से 15 बूंद आधे कप पानी के साथ आपको इसको यूज करना है। दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। दवा लेने से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये थोड़ा सा गैप बना के आपको रखना है। साथ ही साथ अगर आपको डिस्प्लेसमेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में कुछ पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, किगल्स एक्सरसाइजेज होते हैं, वो भी आपको ज़रूर करते रहना है।
उसका वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट पे, यूट्राइन प्रोलैप्स में मेरा सेपरेट वीडियो भी है, वो भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लप्पा मेजर के बारे में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।